हेलो। देखिए मैडम, हमें आपका पर्स मिला है। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। उसमें आपका वॉलेट और पिक्चर्स हैं। तो उसे लेने के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा और साइन करके आप ले जा सकते हैं। अभी आना होगा? अच्छा, क्या हुआ? भैया, हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। अभी? ठीक है, मैं ले चलता हूँ। आओ। ओके इंस्पेक्टर साहब, हम बस कुछ देर में आए। ठीक है मैम, ओके। चले? जी। इस पर्स को रख दो, जिसने रिपोर्ट लिखवाई वो लेने आ रहे हैं इसको। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का मार्केट में अकेला था और कहता है खो गया। हाँ हाँ, इसके चाचा ने रिपोर्ट लिखवाई थी, इसे यहाँ लेकर आए उसके लिए थैंक यू। बैठो 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 बैठो, आराम से बैठो। ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक तो है ना बेटा? अंकल, मुझे घर जाना है। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे चाचा को फोन कर देता हूँ, उन्हें बता देता हूँ कि उनका लकी हमारे पास है, वो तुम्हें ले जाएंगे। ठीक है, वो हमारे पेट्रोल गाड़ी की पार्किंग की जगह है। रचना तुम चलो, मैं भी आ। ये नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, हम रचना घर। हमारा ही पर्स घूम गया था। माँ, ये काला वाला बैग हमारा है। लकी बेटा, देखो कौन आया है। सुनिए, यहाँ पे आप अपना पता लिख के साइन कर दीजिए। जी। लकी बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, चलो अब घर चलो। इंस्पेक्टर साहब, आपका जो पेपर वर्क है वो मेरे वकील आकर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बेटे। नहीं, मेरे घर नहीं जा, तो मम्मा के पास जाना। बेटा ऐसे नहीं बोलते, आपके पापा सुनेंगे तो नाराज हो जाएंगे। हाँ नहीं, पापा के पास नहीं जाना, मैं मम्मा के पास जाना। एक्सक्यूज मी, देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन बच्चे के साथ इतनी सख्ती अच्छी नहीं है। वो बेचारा कब से रो रहा है, उसे अपनी माँ से मिलने दीजिए ना प्लीज। क्या मतलब?
आप हमें जानते हैं? हाँ, जानेगा कैसे नहीं, आप तो मेरी मम्मा हो ना। हर्षना, क्या हुआ? सब सब ठीक है ना? हाँ भैया, सब कुछ ठीक है, हमें पर्स भी मिल गया। ओह गुड, तो अब चले? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाऊंगा ना। तुम रो मत, तुम घर जाओ, तुम्हें तुम्हारी मामा मिल जाएंगी। आप ही मेरी माँ, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, प्लीज प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। नहीं नहीं बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, तुम अच्छे बच्चे हो ना, गुड बॉय हो ना तुम। देखो, हम कल तुमसे मिलने के लिए पक्का आएंगे, प्रॉमिस करते हैं हम, ठीक है? अभी हमें जाने दो ना। प्रॉमिस किया, भूलना मत। ठीक है, गुड बॉय। इसका ध्यान रखिएगा। चलिए भैया। अरे आ गए तुम दोनों, सामान मिल गया ना तुम्हारा? हाँ चाची जी, पर्स मिल गया। बस एक ही बात की फिक्र है कि इतनी सारी भागदौड़ में कहीं हमने एचआर एजेंसी का कॉल ना मिस कर दिया हो। अरे कोई बात नहीं बेटा, अगर उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी ना तो दोबारा फोन करेंगे वो। भगवान करे ऐसा ही हो। अब तुम दोनों जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना लगा हुआ है। हा? जी। गुंजन का फोन। हाँ गुंजन बोलो। हाय रचना, तुम्हें तुम्हारा सामान मिल गया? हाँ गुंजन मिल गया। चलो दैट्स गुड। अच्छा मुझे जरा मयंक से बात करनी थी। सो सॉरी गुंजन, भैया तो यही है लेकिन बहुत बिजी है, अभी उनसे बात नहीं हो सकती। अगर कोई मैसेज है तो हमें बता दो, हम उन्हें बता देंगे। ठीक है, तो बस उससे इतना कह देना कि मैं कल सुबह रिहर्सल के लिए जल्दी जाऊंगी, अगर वो आना चाहे तो वो भी जल्दी आ जाए। ओके बाय, गुड नाइट। ओके बाय। ऐसा भी क्या बिजी है कि दो मिनट मुझसे बात नहीं कर सकता? रचना ये क्या खिचड़ी पका रहे हो, मुझे गुंजन से बात क्यों नहीं कर रहे? ओहो भैया, आप नहीं चाहते कि गुंजन आपको मिस करे, आपको याद करे? आपने उनको बहुत अटेंशन दे दिया, अब अटेंशन देने की बारी गुंजन की है। आप उसे थोड़ा इग्नोर कीजिए ताकि उसका रिएक्शन मिले। लेकिन अगर कोई रिएक्शन नहीं आया तो? वो तो पॉसिबल नहीं है भैया, एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए, आप 100% सक्सेसफुल होंगे, बिलीव मी। पता है रचना, मैं इस प्ले को लेकर बहुत नर्वस हूँ, बस अच्छे से निकल जाए। बाय द वे, तुम आ रही हो ना? ऐसा कभी हो सकता है कि तुम्हारा प्ले हो और हम ना आए? हम जरूर आएंगे रचना, बस ये प्ले अच्छे से हो जाए ना तो देखना मजा आ जाएगा। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, या शाम को मिलती हूँ। बाय 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 बाय। You're welcome, गुंजन। तुम मेरा नाम जानते हो? तुम्हारी किताब में लिखा था। ओह हाँ।
By the way, I'm Adi. Nice to meet you. तो आप हैं मिस जूलियट। तुम ये भी जानते हो? आप जैसी जूलियट हो और किसी को पता ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? Are you okay? हाँ हाँ। Actually मुझे rehearsal के लिए जाना है तो I'll see you later. Bye. आप हमें जानते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। कौन है? मैं प्लेसमेंट एजेंसी से बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। आपने इंटीरियर डिजाइनर के लिए कहा था ना, हमें एक डिजाइनर मिली है लेकिन वो इंटीरियर डिजाइनर नहीं है। डिजाइनर है ना, भेज दो। अच्छा हाँ, और एक बात का ध्यान रखना, हवेली बहुत पुरानी है और इसमें बहुत सारा काम है। तो जो भी डिजाइनर हो वो बीच में काम छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जी ओके। कौन थी वो लड़की? कहीं ये वो नहीं? वो कैसे हो सकती है? लेकिन इस शक्ल तो बिल्कुल हूबहू। आपको आपकी फ्लोटिंग से टाइम मिल गया? एक्सक्यूज मी, बात करने में और फ्लर्ट करने में बहुत फर्क होता है। और एनीवे, अगर मैं किसी से फ्लर्ट करूं भी तो तुम इससे क्या? तुम कौन सा कम? तुम भी तो लगे हो इसी उस झेपू के साथ। एक्सक्यूज मी, वो झेपू नहीं है, उसका नाम आदि है। आदि हो या पूरी, लेकिन आई थिंक झेपू उस पे ज्यादा सूट करता है। So funny. तुम्हें पता है लोग तुम्हें क्या बुलाते हैं? अंकल मयंक, मयंक अंकल। क्या बात? Anyway, जिन लड़कियों से मैं बात कर रहा था ना, उन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन तुम कोई ढंग का लड़का चूज करो। और वैसे भी इस कॉलेज में जो बेस्ट है उसे तो कोई और पसंद है। डोंट वरी, इस कॉलेज में और बहुत सारी क्यूट और प्रिटी लड़कियां, कोई ना कोई तो मिल जाएगी। नहीं यार, हर कोई तुम्हारी तरह है, एकदम ओके टाइप। मैं ओके ओके हूँ। और वो लड़कियां जिनसे तुम बात कर रहे थे, उनमें से कौन सा कोई बहुत प्रिटी थी? अरे वो लड़की रेनू, रेनू की तो शादी होने वाली। तुम्हें क्या लगा मैं भी तुम्हारे बारे में बात कर रहा था? बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? बहुत हंसी आ रही है, रुको तो। मैं वो क्या हुआ गुंजन, शो करना है या नहीं? सॉरी सर। चलो फिर से करो। रोमियो,
क्या हो गया तुम्हें गुंजन? आज शाम को शो है और तुम लाइंस ढूंढ रही हो। अब सर एक्सक्यूज मी जस्ट टू मिनट्स, मेरे को बस दो मिनट दीजिए, आओ गुंजन। क्या हुआ गुंजन? पता नहीं मयंक, जब से आदि यहाँ आया है ना, मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। कम ऑन गुंजन, अभी सिर्फ आदि यहाँ है, शाम को पूरा का पूरा कॉलेज यहाँ होगा, तब क्या करोगी? डायलॉग तो नहीं बोल सकती ना। देखो, हम सब जानते हैं कि यू आर द बेस्ट, इसीलिए पूरे के पूरे कॉलेज ने जूलियट के रोल में सिर्फ तुम्हें सेलेक्ट किया। जस्ट इमेजिन, इस पूरे रूम में और कोई नहीं, सिर्फ तुम अपने लिए परफॉर्म करो। थैंक यू मयंक, मेरा कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए। एक्सक्यूज मी, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रहा। मैं नहीं चाहता कि मेरे जो प्ले है ना फ्लॉप हो जाए। रेडी सर। रोमियो, मैं तुम पर कैसे यकीन करूं कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? कौन है ये बंदा? कॉलेज में नया आया और प्ले में रोमियो का रोल मिला है, लेकिन कुछ अंकल टाइप का नहीं लगता। लगता है इस रोमियो अंकल को इसकी उम्र का लिहाज कराना सिखाना ही पड़ेगा। चलो। अब बैठ भी जाओ, ऐसे घूमते रहने से फोन तो नहीं आने वाला ना, बैठो। नहीं मम्मी, उन्होंने कहा था कि वो फोन करेंगे। देखा मम्मी, हमने कहा था ना, उनका फोन आ गया। अरे पहले फोन तो उठा। हेलो, क्या घर डिजाइन करना है? नहीं, वैसे तो हमने ये कभी नहीं किया, लेकिन हाँ हम कर लेंगे, और एक बार ट्राई तो हम जरूर करना चाहेंगे। कब से शुरू करना है? आज से? अच्छा ठीक है, कहाँ और किससे मिलना है? ओम राजा दक्ष। ठीक है, हम टाइम पे पहुँच जाएंगे, फिक्र मत कीजिए। ओहो मम्मी, लेकिन बेटा ये तो कुछ घर के डिजाइन। मम्मी आपकी बेटी सुपर वुमन है, वो सुपर टैलेंटेड है, घर हो या वार्डरोब वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। और वैसे भी केटी कहती, जाओ जाकर फटाफट तैयार हो जा, आज ही बुलाया ना उन लोगों ने तुम्हें। जी मम्मी, हम अभी चेंज करके आए। महारक्षक आर्यन ऑन द पीसी ज्वेलर्स 1 नवंबर से शनिवार रविवार शाम 7 बजे। अब जाके मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है। आई एम श्योर, देखना अपना प्ले बहुत अच्छा जाएगा। देखो दोस्तों, अपना आदि इस कॉलेज का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, देखो। मैं भी आता। अरे मैं रुको ना, देखो आदि कॉलेज का रिकॉर्ड बना रहा है, चल चल के देखते। चलो मैं, चलो। मेरा आदि कितना पॉपुलर है। ये आदि ने कॉलेज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये कांग्रेचुलेशंस, कॉलेज का नया रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए। रिकॉर्ड्स तो तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, आज मैं हूं तो कल कोई और। बट सवाल ये होता है कि इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा कौन?
नहीं नहीं मयंक बिल्कुल नहीं। I know, इस उम्र में ये सब नहीं होता है ना। Anyways, हेलो, मैं ये चैलेंज लेने को तैयार हूँ।